सो हेलो एवरीवन, द रेडर बॉय है। सो आज के इस वीडियो में हम लोग क्रिएट करने वाले कुछ इस तरीके का न्यू जबरदस्त ट्रेंडिंग हैप्पी बर्थडे वाला स्टेटस। एंड गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो एकदम वैसे 3D एनिमेशन के साथ है। तो सबसे पहले गाइस आपको यहां पर जो ना सबसे पहले ओपन करना अलाइट मोशन एप्लीकेशन। तो सिंपली गाइस यहां से मैं ओपन कर लेता हूं, ठीक है। तो सिंपली गाइस यहां पे मैं अलाइट मोशन ऐप के अंदर एंटर करूंगा एंड आपको यहां पर सॉन्ग बीट मार्क एंड स्किप पैड को इंपोर्ट कर लेना, ठीक है। सो पहले गाइस मैं बीट मार्क के अंदर एंटर करूंगा एंड यहाँ पर गाइस आपको जिस तरीके से लेयर्स देखने को मिल जाएंगी। सो उसके बाद गाइस आपको सिंपली यहाँ पर क्या करना होगा मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर गाइस आपको सारा ग्रुप मिलेगा एंड आप थोड़ा सा आगे आओगे तो आपको ग्रीन स्क्रीन के साथ गाइस कुछ यहाँ पर एनिमेटेड मिलेगा, ठीक है कुछ। तो आपको यहाँ पर सिंपली थोड़ा सा आगे आ जाना है एंड यहाँ पर आपको सारा कुछ सेटेड मिलेगा। आपको ओनली फोटोज ऐड करना, जो कि बहुत नॉर्मल एंड सिंपल चीज़ है और आप इस चीज़ को बहुत ईजी तरीके से कर सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट लोग इसमें क्या करने वाले, यहाँ पर हम फोटो ऐड करने के लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, स्टार्ट पर जाएंगे एंड इसमें अपनी मॉडल की फोटो या फिर अपनी फ्रेंड्स की फोटो हम लोग ऐड करने वाले हैं। मतलब कि जिसका हम लोग बर्थडे वाला स्टेटस क्रिएट कर रहे हैं ना, हम उसकी फोटो से यहाँ पर ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो फोटो को सिलेक्ट करना देन प्लस पर क्लिक कर देना, ठीक है। और गाइस अगर आपका जो फोटोज है वो गाइस आपका रेशियो गाइस लाइक क्रॉप पर नहीं है फुल रेशियो, तो आपको इस तरीके से क्रॉप कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर गाइस आपको कुछ तरीके से ऐड कर लेना है एंड कुछ इस तरीके से राउंड करेगा। अगर आप क्रॉप नहीं भी करोगे तो भी ऐड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सो यहाँ पर गाइस आपको सिंपली इस वाले ग्रीन स्क्रीन पर क्लिक करना है, आपको फिर से फोटो को सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं इस फोटो को मैं सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है, यहाँ पर एंड प्लस पर क्लिक कर दूंगा। तो कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है, हल्का ब्लर मोशन भी आएगा कुछ इस तरीके से एंड यही चीज़ गाइस बहुत ही बेटर लगती है। साथ ही यहाँ पर जो 3D एनिमेशन करता है फोटोज गाइस वो भी काफ़ी ज़्यादा ऑसम एंड अमेजिंग लगता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ये फोटोज़ को ऐड कर लेता हूँ। अब तो हमने गाइस यहाँ पर बैकग्राउंड वाली फोटो ऐड कर लिया एंड उसके ऊपर गाइस आपको 3 लेयर्स मिलेंगी, तो इन 3 लेयर्स पर भी सिलेक्ट करना है। तो उसके बाद गाइस आपको फोटो पर सिलेक्ट करना है, प्लस पर क्लिक कर देना, ठीक है। तो आपके यहाँ पर फोटोज़ ऐड हो जाएगी। तो स्टार्टिंग में गाइस आपने हैप्पी बर्थडे जो लिखा होगा गाइस आपने नॉर्मल कलर पर देखा होगा। अगर आपको उसको कलरफुल कैसे करना वो भी अगर आपको जानना है तो थोड़ा सा वीडियो पर और बने रहिएगा, ठीक है। तो उसके बाद गाइस आपको यहाँ पर सेकंड फोटो आई मीन थर्ड फोटो को सिलेक्ट करना है कुछ इस तरीके से एंड प्लस पर क्लिक कर देना, ठीक है। एंड हाँ, अगर गाइस मैं सेम फोटोस अगर मैं यूज़ कर लूँ तो उसको गाइस आप इग्नोर कीजिएगा, बिकॉज गाइस यहाँ पर आपको जब आप फोटो स्टेटस क्रिएट करोगे तो आप सेम फोटोस यूज मत करना, ठीक है। हर किसी पर अलग अलग कर सकते हो, देन आप सेम भी यूज कर सकते हो लेकिन सेम इफेक्ट पर सेम फोटोस ऐड मत करना, ओके। तो आप समझ चुके होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो अभी गाइस यहाँ पर हम एक और फोटोस ऐड कर लेंगे, इस फोटो को एंड प्लस पर क्लिक कर दूंगा एंड कुछ ही फोटोस हमारी और बची हैं, देन हमारा स्टेटस यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। बट फाइनल कंप्लीट नहीं होगा, थोड़ा सा आपको समझना भी पड़ेगा कि भाई लास्ट में जो कलर ग्रेडिंग है वो कैसे हुई है, ठीक है। एंड वो भी काफ़ी बेसिक है, उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उसके लिए आपका भाई है, बहुत सिंपल तरीके से समझाएगा। और मैं जो भी वीडियोस क्रिएट करता हूँ भाई वो हमेशा नॉर्मल होती हैं, सिंपल होती हैं। क्यों? क्योंकि भाई मैं आपको नहीं ज़्यादा परेशान हो, ज़्यादा टाइम वेस्ट हो आपका, इसीलिए सारा कुछ मैं क्रिएट करके देता हूँ ताकि आपको उसमें ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है। सारा कुछ आप देख सकते हैं, सारा कुछ सेटेड है, आपको ओनली फोटोज़ ऐड करना है, ठीक है। जब सारा फोटोज़ ऐड कर लोगे आपको यहाँ पर इन 4 लेयर्स गाइस आप देख सकते हो, नीचे मैंने इफेक्ट दिया था कि अगर आप अलग फोटो पर ऐड करना चाहो तो भी ऐड कर सकते हो। हम यहाँ पर 4 लेयर्स को कॉपी करेंगे, बैक आएंगे, बीट मार्क के अंदर जाएंगे एंड यहाँ पर गाइस हम लोग क्या करने वाले हैं, इस लेयर्स को यहाँ पर क्लिक करेंगे पहले ऊपर इस पर एंड पेस्ट कर देंगे। देन आप देख सकते हो कलर भी चेंज हो चुका है एंड काफ़ी अमेजिंग भी लग रहा है। अगर आपको सिंपल रखना सिंपल, अगर आपको कलर ग्रेडिंग के साथ रखना है तो इस तरीके से भी रख सकते हो। देन वीडियो एक्सपोर्ट डन, सिंपल था ना। प्लीज वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, ठीक है।